इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसा गोल्डन रूल है जो आपको वेट लॉस करने में हेल्प देता है, आपको पीसीओएस रिवर्स करने में हेल्प देता है, आपको डायबिटीज रिवर्स करने में हेल्प देता है। लेकिन आपने इसके अगेंस्ट कुछ मिथ बस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी सुनी होंगी, कुछ अफवाहें भी सुनी होंगी, कुछ झूठी बातें भी सुनी होंगी जो रिसर्च बेस्ड नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका माहिर एक्सरसाइज डॉक्टर जुबैर, और आप देख रहे हैं चैनल डॉक्टर जैक डाइट। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ तो फट से मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने YouTube, Instagram या Facebook पे ऐसी इन्फॉर्मेशन सुनी होगी कुछ लोगों के साथ कि इंटरमीडिएट फास्टिंग करने से जो है वो आपका मसल लॉस हो जाता है, इंटरमीडिएट फास्टिंग से ईटिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग से जो है वो आपको हर बंदा इंटरमीडिएट फास्टिंग कर सकता है। इस तरह की जो है वो मिथ बेस्ड इन्फॉर्मेशन आपने डिफरेंट लोगों से सुनी हुई होंगी। तो आज हम जो इंटरमीडिएट फास्टिंग से रिलेटेड जितने भी मिथ्स हैं उनको डीबंक करेंगे और उस मिथ का एक्चुअली रियलिटी बेस पे एग्जिस्ट करते हैं या नहीं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आप में से कितने लोग जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं और उनकी कौन सी विंडो है, और एंड में फिर मैं एक बोनस टिप भी दूंगा कॉमेंट सेक्शन में उन लोगों को जो मुझे नीचे कॉमेंट्स में बताएंगे वो कौन सी विंडो फॉलो करें। जो सबसे इंपॉर्टेंट मिथ्स जो है वो एक जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में कहा जाता है कि हर इंसान इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो कर सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आपको पीसीओएस है तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, आप फैट लीवर इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ में इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, फास्ट वेट लॉस में इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आप इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकते। तो इससे जो सबसे बड़ा ये मिथ है कि हर बंदा इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकता है वो गलत साबित हो जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग से स्पेसिफिक लोग कर सकते हैं, जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकते वो मैं भी आपको बता देता हूँ। नंबर वन, लैक्टेटिंग मदर जो माएँ दूध पिलाती हैं वो इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकती, प्रेग्नेंट वुमेन इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकती, जिनको मिग्रेन का इशू हो या हेडेक इशू हो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकती। इसके अलावा अगर के डिसऑर्डर्स हैं जिसमें आपको मिग्रेन का इशू होता है या एपिलेप्सी के इशूज़ होते हैं तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकते। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है हार्मोन इशूज़ वालों के लिए होती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम वालों के लिए होती है। तो पहला मिथ यहीं पर आपको क्लियर हो चुका होगा। सेकेंड मिस जो इसमें सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग से लीन मास या मसल मास ज़्यादा लॉस होता है। 2024 में एक रैंडम मेटा स्टडीज़ जो है वो पब्लिश हुई है, उसके अंदर कहा गया है कि जो कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड प्लान यूज़ करते हैं या जो इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं उसमें क्या होता है कि 75% तक वो अपने गोल्स अचीव कर लेते हैं। उसमें क्या होता है कि 70% तक उनका फैट लॉस होता है, 25% उनका लीन मसल मास भी लॉस हो रहा होता है। अगर वो 25% में लीन मसल मास आप बचाना चाह रहे हैं उसके साथ आप इंटेंस ट्रेनिंग करें। इंटेंस ट्रेनिंग में क्या आता है, वेट लिफ्टिंग आती है, फिर आती है, जितना अच्छा आप मसल बिल्ड करेंगे उतना ही आपका मसल लॉस कम होगा। इसके साथ प्रोटीन इंटेक जो है बढ़ाएं। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें और प्रोटीन इंटेक नहीं बढ़ाते तो डेफिनेटली बात है कि मसल लॉस होगा। बेशक आप कैलोरी डेफिसिट में, पोषण कंट्रोल में, तो प्रोटीन आपका एक मेजर पार्ट होना चाहिए। जब तक प्रोटीन आपका मेजर पार्ट नहीं होगा तब तक आप कैलोरी रिस्ट्रिक्टिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग से लीन मास को नहीं रोक सकते। और जो नंबर थ्री मिथ है वो ये है कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं उनको ईटिंग डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये मिथ भी बिल्कुल कम्प्लीटली झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं उनकी शुगर क्रेविंग्स कंट्रोल होती हैं, उनकी जितनी भी एक्स्ट्रा उनको बिंज ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं, लाइक वो हर वक्त खाते रहते हैं, जब इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो एक पैटर्न फॉलो कर लेते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी वो लाइफ कैजुअलाइज होना शुरू हो जाती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको सिखाती है कि कैसे आपने स्पेसिफिक टाइम में खाना है और बाकी रिमेनिंग टाइम में आपने फास्ट करना है, जिससे आप फ्रीक्वेंट स्नैकिंग से बचते हैं। फ्रीक्वेंट स्नैकिंग भी बिंज ईटिंग में आती है, जिस वक्त हर वक्त आप खाते रहते हैं तो ये आपको बिंज ईटिंग से बचाती है। इसके कोई भी इस वक्त जो है ईटिंग डिसऑर्डर रिसर्च बेस के ऊपर रिपोर्ट नहीं हुए हुए। एक और बड़ा मेजर मिथ है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है वो कम्प्लीटली टाइप 2 डायबिटीज़ को क्योर कर लेती है। डायबिटीज़ जो है हमेशा क्योर नहीं होती, डायबिटीज़ रिवर्स होती है। जिस तरह ओबेसिटी है इसका इलाज नहीं है, आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स का मतलब क्या होता है, अगर मिसाल के तौर पे आपका वज़न 60 किलो आइडियल है तो आप 60 किलो वज़न तक आ सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपनी डाइटरी पैटर्न चेंज करेंगे, कैलोरी सरप्लस में खाएंगे तो वैसे ही आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। इसलिए इंटरमीडिएट फास्टिंग हो या कैलोरी रिस्ट्रिक्शन हो तो किसी भी डिजीज़ को 100% क्योर नहीं करती, वो बेसिकली उसको रिवर्स करती है। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है डिजीज़ को रिवर्स कर सकती है लेकिन 100% क्योर नहीं कर सकते। इसके बाद जो फिफ्थ मेजर मिथ जो है वो इस वक्त जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में फैलाया जाता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन ये बेसिकली जो स्टडी पब्लिश की गई है वो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में की गई है, और ये उसी साइंटिस्ट ने की है जो कुछ अर्से तक पहले तक इंटरमिटेंट फास्टिंग को प्रमोट कर रहा था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग
जो है वो सेफ है। इस साइंटिस्ट की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ये साइंटिस्ट बेसिकली पहले भी पेड इस तरह की कोई रिसर्च जो है पब्लिश कर चुका हुआ है। इस रिसर्च को बेसिकली अभी तक किसी भी ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो ऑन नहीं किया। इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग से बेसिकली कोई हार्ट अटैक डिजीज नहीं हो सकती। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक सेफ प्रोसीजर है और मुस्लिम जो है ये ऑलरेडी काफ़ी डिकेड से रोजे रख रहे हैं जब से ये दुनिया बनी है। तो अगर उसमें कोई हार्ट अटैक के रेशियोज होती तो सबसे पहले फास्टिंग को वहीं पे हाईलाइट कर दिया था। इसलिए फास्टिंग से कोई हार्ट अटैक नहीं हो सकता। ऐसी जो भी स्टडीज की गई हैं वो फेक हैं और उनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है जी। और सिक्स जो इसके अंदर मिथ फैलाया जाता है, ये कहा जाता है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग में ये होता है कि आप जितना दिल चाहे खा लें लेकिन वेज नहीं बढ़ेगा, वेट नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन भी टोटली गलत है, ऐसा नहीं होता। जब भी आपने वेट रिड्यूस करना होता है तो इंटरमीडिएट फास्टिंग के साथ साथ आपने कैलोरी डेफिसिट में रहना होता है। जब तक आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं रहेंगे, इंटरमीडिएट फास्टिंग विंडो नहीं फॉलो करेंगे, तब तक आप वेट रिड्यूस नहीं कर सकते। ये जो एक कुछ इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं जी आप इंटरमीडिएट फास्टिंग में रह के ये भी कार्बोहाइड्रेट्स भी टिका के खाएं, फैट्स भी लें, स्नैक्स भी लें, तो ऐसा नहीं है। इंटरमीडिएट फास्टिंग में हमेशा आपने दो मील्स लेने होते हैं, ब्रंच एंड डिनर, उसके बीच में एक स्मॉल सा स्नैक लेना होता है। अदरवाइज आप इंटरमीडिएट फास्टिंग के जो डिजायर रिजल्ट हैं वो अचीव नहीं कर सकते। सबसे लास्ट और जो इम्पोर्टेंट मिथ है, ये कहा जाता है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग से जो है वो अपनी अपनी एक दिन की कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं पूरी कर सकते क्योंकि आप कैलोरी डेफिसिट होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग फॉलो कर रहे हैं तो उसमें ये होता है कि आपके पास दो मील्स होते हैं, तो आपके दोनों मील्स बैलेंस होने चाहिए। उसमें प्रोटीन्स होना चाहिए, कार्ब्स होने चाहिए, उसके अंदर फैट्स होने चाहिए, उसके अंदर न्यूट्रिशन की वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, उसमें प्रोबायोटिक्स होने चाहिए, उसमें प्रीबायोटिक्स होने चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एक इंटरमीडिएट फास्टिंग में एक आपको ब्रंच बताऊं तो उसमें एक आपके पास पहला सोर्स है लेमन चिकन ऑट्स। अगर आप लेमन चिकन ऑट्स लेते हैं तो ऑट्स बेसिकली सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का। अगर आप उसके अंदर लेमन ऐड करते हो तो आपको वाइटामिन सी मिल जाता है। अगर आप उसके अंदर चिकन ऐड करते हैं तो आपको प्रोटीन मिल जाता है। लेकिन आप उसको कुक करते हुए 1 टीस्पून उसके अंदर ऑयल ऐड कर देते हैं तो उससे आपको फैट भी मिल जाता है। इससे आपको वो तीनों अज्जा मिल जाएंगे, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट। और ये सारे बड़े माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको, मेजर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको अपनी डाइट में चाहिए होते हैं। अगर आप इसके ऑल्टरनेटिव ब्रेकफास्ट की और मुझसे पूछ रहे हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग में होना चाहिए, तो आप इसके अंदर 2 एग्स ऑमलेट लें, 1/2 कप योगर्ट लें। योगर्ट से आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेंगे, योगर्ट से आपको प्रोबायोटिक्स भी मिलेंगे, योगर्ट से आपको हाइड्रेशन भी मिलेंगे। अगेन टी के साथ जो है वो आपको कैफीन मिलेगी जो आपको पूरा दिन में एक्टिव रहने के लिए हुए। तो इसी तरह आपको बैलेंस मील्स अगर लेते हैं तो इंटरमीडिएट फास्टिंग से जो है आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म से इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं तो आपको सप्लीमेंटेशन ज़रूर ऐड करने चाहिए, लाइक वाइटामिन डी, वाइटामिन B12। ये वो ऐसे वाइटामिन हैं जो आपकी डाइट से कम्प्लीट नहीं हो पा रहे होते, तो ऐसे वाइटामिन अपनी डाइट में लाजमी शामिल किया करें। और इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है वो गोल्डन रूल है, हमेशा याद रखिएगा, डायबिटीज़, PCOS, फैटी लिवर और वेट लॉस के लिए। अगर आप मुझसे कस्टमाइज डाइट प्लान लेना चाह रहे हैं तो मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप मुझसे भी कांटेक्ट करके डाइट प्लान ले सकते हैं। अगर इस तरह के आप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाह रहे हैं या आपने कोई मिथ सुना है इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मैं उसके बाद आंसर कर सकूँ। अगेन वही एट द एंड ऑफ द, अगर जो मुझे कॉमेंट सेक्शन में अपनी इंटरमीडिएट फास्टिंग वीडियो बताएगा तो मैं उसको एक बोनस टिप जरूर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहा करें। थैंक यू सो मच।